students, welcome again in the lecture series on chemical bonding. Okay, again we are discussing about the stereochemistry and bonding in main group compounds, and especially in this series I had already discussed about the equivalent and non-equivalent hybridized orbitals in the previous lecture. And after going through that lecture, you can easily understand what is Bent rule, that is given by Henry Bent in 1961. अब आप देखेंगे बच्चों, आपका स्वागत है इस केमिकल बॉन्डिंग की सीरीज में, जहां पर हम स्टीरियो केमिस्ट्री एंड बॉन्डिंग इन मेन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, और नॉन इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को जानने के बाद अब आप आसानी से बेंट रूल को जान पाएंगे, जो कि हेनरी बेंट ने 1961 में दिया था. ओके, तो इस सीरीज में आप देखेंगे कितनी आसानी से वन बाय वन, इफ यू गो थ्रू दी लेक्चर्स, यू कैन इजिली अंडरस्टैंड व्हाट इज बेंट रूल. लेक्चर में क्या देखा था बच्चों, हमने देखा था H पर हाइब्रिडाइजेशन द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर आइडेंटिकल इन रेस्पेक्ट ऑफ देयर एनर्जी शेप एंड बॉन्ड एंगल्स. ओके, और जहां पर ये हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग सारे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल एक से होंगे, वहां पर उन सबकी एनर्जी बराबर होगी, शेप एक सा होगा और बॉन्ड एंगल भी एक से होंगे. एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ एस एंड पी ऑर्बिटल्स इन द हाइब्रिड ऑर्बिटल कैन अफेक्ट द शेप्स ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल. और ये जो कंट्रीब्यूशन है एस एंड पी ऑर्बिटल का, ये किसको अफेक्ट करता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के शेप को अफेक्ट करता है. जितना अधिक पी करेक्टर होगा उतना अधिक, यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल में जितना अधिक परसेंटेज पी करेक्टर होगा उतना उसका शेप पी टाइप होगा, और जितना पी करेक्टर कम होगा उतना उसका शेप पी से जैसा नहीं होगा बल्कि उसका शेप एस की तरह होगा, मतलब पी की तरह कम होगा. ओके, तो ये जो एस और पी का कंट्रीब्यूशन है, ये शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल को अफेक्ट करता है. जितना पी करेक्टर होगा उतना, यानी जितना ज्यादा पी करेक्टर होगा उतना आसान ओवरलैपिंग भी होगी. अब आपने इससे पहले लेक्चर में पढ़ा बच्चों इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बारे में, और आपने देखा कि जो दो हाइब्रिडाइजेशन थे sp3d एंड sp3d3, वहां पर आपने देखे नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, क्योंकि वहां पर आपने देखा पोजिशंस जो है वो अलग अलग थी. कैसे अलग थी, अगर मैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री आपको फिर से दिखाऊं तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर जो है इक्विटोरियल पोजीशन पर यहां पर बॉन्ड एंगल कितना था 120, एंड जो एक्सियल और इक्विटोरियल पोजीशन पर थे वहां पर बॉन्ड एंगल कितना था 90 डिग्री. तो दो तरीके के बॉन्ड एंगल यहां थे, और sp3d3 में 90 एंगल एंड 72 एंगल था, इसलिए ये दोनों के जो हाइब्रिड ऑर्बिटल थे वो क्या थे, नॉन इक्विवेलेंट थे. जबकि आपने जो और कुछ हाइब्रिडाइजेशन पढ़े, जैसे आपने sp पढ़ा, sp2 पढ़ा, sp3 पढ़ा, sp3d2 पढ़ा, तो यहां पर एक बॉन्ड एंगल होता है केवल, या तो 90 होगा या 180 होगा या 120 होगा या फिर 109 होगा. तो सारे के सारे ऑर्बिटल क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे, क्योंकि रिपल्शन एक सा होगा. ओके, ये जो sp2, sp3, sp3d2 एंड sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, वहां पर इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं. तो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि ये दो स्ट्रक्चर जनरली जिनके ऊपर बेंट रूल अप्लाई होता है. Bent rule. So according to Bent rule, the percent s character increases on the hybrid orbitals that orient towards electropositive atoms, while the percent p character increases on the hybrid orbitals that orient towards the electronegative atoms. तो बेंट रूल के अकॉर्डिंग क्या है बच्चों, कि जो परसेंट एस करेक्टर हाइब्रिड ऑर्बिटल में होता है वो उस ओर वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल में इंक्रीज होता है जो ऑर्बिटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम की ओर होते हैं. और परसेंट पी करेक्टर किन में बढ़ता है, उन हाइब्रिड ऑर्बिटल में बढ़ता है जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर को ओरियंट होते हैं, जिसे अभी हम एग्जाम्पल के साथ देखेंगे. ओके, एंड हायर एस करेक्टर decreases the energy of hybrid orbitals. Generally होता क्या है, जो s character होता है, आपने देखा कि s
जो इलेक्ट्रॉन थे वो कम नीचे वाले ऑर्बिटल में थे, तो इनकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है, इसलिए ये क्या करते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी को कम कर देते हैं, जिससे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसका शेप कैसा हो जाता है, एस ऑर्बिटल टाइप हो जाता है। तो ये क्या करेंगे, एनर्जी को कम कर देंगे, हाइब्रिड ऑर्बिट की एनर्जी को कम कर देंगे। जबकि अगर किसी हाइब्रिड ऑर्बिटल में पी करेक्टर अधिक होगा तो एनर्जी को क्या करेगा, बढ़ा देगा, क्योंकि पी ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, अधिक होती है। और इस तरीके के ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, पी ऑर्बिटल की तरह होता है। तो इसलिए पी ऑर्बिटल्स की एनर्जी हायर होती है, इसलिए जो हाइब्रिड ऑर्बिटल जिनमें पी करेक्टर अधिक होता है उनकी एनर्जी क्या होती है, हायर होती है। क्या कहा, अब आप पहले ये देखिए, मैंने आपसे ये कहा कि जब एक इस तरीके का मॉलिक्यूल होगा जहां पर डिफरेंट टाइप के सब्स्टिट्यूएंट होंगे, उसके लिए बेंट रूल है, मिक्स्ड सब्स्टिट्यूएंट के लिए बेंट रूल अप्लाई होता है। तो यहां पर आप देखिए कि ये जो एक फ्लोरीन एटम जुड़ा है और बाकी सारे क्या है, क्लोरीन एटम है। ये जो मैंने आपसे कहा जो एक्सियल पोजिशन पर जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है, पी जेड डी जेड स्क्वायर। तो क्या यहां पर एस करेक्टर है, यहां पर अगर आप परसेंट एस करेक्टर देखेंगे तो वो जीरो है ही नहीं परसेंट एस करेक्टर। और अगर इक्विटोरियल पोजिशन पर देखें तो यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन होता है इन ऑर्बिटल्स में वो क्या होता है, एस पी एक्स पी वाई। तो यहां पर परसेंट एस करेक्टर कितना है बच्चों, 33% एस करेक्टर है। तो ये जो p ऑर्बिटल है इस केस में, अगर मैं PCl4F की बात करूं तो यहां पर आप देखेंगे कि ये जो इक्विटोरियल पोजीशन पर जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो किसी भी ट्राइगोनल पाइरिमिडल में वो होता है SpxPy यानी sp2 टाइप, इसीलिए ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है यहां पर इनकी। और जो एक्सियल पोजीशन पर जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स होते हैं वो पी जेड डी जेड स्क्वायर होते हैं। तो आप देखेंगे एक्सियल पोजीशन पर एस करेक्टर नील होता है जबकि इक्विटोरियल पोजीशन पर एस करेक्टर होता है। तो बेंट रूल क्या कहता है, बेंट रूल कहता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं वो किधर होते हैं, या आप ये कहेंगे जो पी के जो हाइब्रिड ऑर्बिटल जिनमें एस करेक्टर कम होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर होते हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे पी ऑर्बिटल, पी का कंट्रीब्यूशन कितना है, 50%। तो अगर आप इस एक्सियल पोजीशन को देखेंगे तो यहां पर पी का करेक्टर 50% है। तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल जिनमें पी करेक्टर अधिक होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की ओर होते हैं, और जिनमें पी एस करेक्टर अधिक होता है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट की ओर होती हैं। अगर हम एफ और सी एल में डिफरेंस देखें तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, एफ की। तो एफ हमेशा एक्सियल पोजीशन पर जाना चाहेगा जो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। क्यों जाना चाहेगा बच्चों, इसलिए जाना चाहेगा क्योंकि इस डायरेक्शन में एस का करेक्टर जीरो है। तो एस उस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम होता है वो उस डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में एस करेक्टर कम हो, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट उस डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में एस का करेक्टर अधिक हो। इसलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में चले जाते हैं टेट्राहेड्रल के केस में। तो ये है मेन बेंट रूल। अगर मैं इस एग्जाम्पल को आपको दिखाऊं जहां पर PCl5 को माना गया है कि ये दो भागों में बांटा गया है, मैंने आपको ये पहले भी बताया कि ये जो हाइब्रिडाइजेशन है स्क्वायर प्लेनर में, जो सॉरी प्लेनर पोजीशन पर है वो है SpxPy यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और जो इस डायरेक्शन में है वो है pz स्क्वायर। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर तो ऐसा है सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट एक से हैं, तो यहां पर बेंट रूल हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम इस एग्जांपल को देखें जहां पर एक सब्स्टिट्यूएंट अलग है, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कहां चला जाएगा, हमेशा एक्सियल पोजीशन पर जाएगा, क्योंकि यहां पर क्या है, एस रिच ऑर्बिटल नहीं है। एस रिच ऑर्बिटल किसकी ओर जाना चाहते हैं, जहां इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप होता है, और पी रिच कहां जाना चाहते हैं, जहां इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल आपको दूं कि मेरे पास है PCl3CH3 2, ओके, तो अगर मैं कहूं कि इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो इसका स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे, देखिए यहां पर जो एक्सियल जो इक्विटोरियल पोजिशन है वो एस रिच है। एस रिच में कौन जाना चाहेगा, जो क्या होंगे, जो इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाली ग्रुप्स होंगे। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप कौन है अधिक? CH3 है, तो यहाँ पर CH3 चला गया और हमसे कोई स्ट्रक्चर बनाने को गए, तो Cl जो है वो किस उसकी पोजीशन कहाँ होगी? एक्सियल पर। क्यों? क्योंकि Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमेशा एक्सियल पोजीशन पर होंगे ट्राइगनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री के। क्यों? क्योंकि इस एक्सियल पोजीशन पर S रिच नहीं है, इस पर क्या है जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो P रिच हैं। P रिच की ओर को इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं, जबकि S रिच की ओर को कौन होते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ऐसा क्यों होता है बच्चों? देखिए S रिच का मतलब क्या है? S रिच ऑर्बिटल का मतलब क्या है? S किसके नजदीक है? न्यूक्लियस के नजदीक। तो न्यूक्लियस क्या करता है? न्यूक्लियस के नजदीक जो चीज होगी वो उतनी अट्रैक्ट नहीं होगी। और अगर मैं पी रिच ऑर्बिटल की बात करूं तो पी रिच ऑर्बिटल क्या है? ये जो है ये न्यूक्लियस से दूर है, ये न्यूक्लियस से दूर है, तो इनको आसानी से अट्रैक्ट कर सकता है कौन? इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप का काम क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप का काम है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना। ये किसके इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेंगे? जो इलेक्ट्रॉन पी में होंगे, पी में इलेक्ट्रॉन जो होंगे उनको आसानी से अट्रैक्ट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि पी ऑर्बिटल न्यूक्लियस से दूर है। क्या कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एस रिच से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर सकता है? नहीं, क्योंकि एस जो है वो न्यूक्लियस के पास है। इसलिए जो एस रिच ऑर्बिटल है वो तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव ग्रुप्स को पसंद करेंगे। जिस ओर इलेक्ट्रो पॉजिटिव ग्रुप्स होंगे, इलेक्ट्रो पॉजिटिव ग्रुप्स, उस ओर एस रिच ऑर्बिटल होंगे, और जहां पी रिच ऑर्बिटल होंगे उस ओर इलेक्ट्रो नेगेटिव ग्रुप होंगे। एक्सियल पोजीशन पी रिच है और जो इक्विटोरियल पोजीशन है वो एस रिच है, इसलिए यहां पर इलेक्ट्रो पॉजिटिव ग्रुप्स होंगे और यहां पर क्या होंगे? इलेक्ट्रो नेगेटिव ग्रुप होंगे। लेट्स एक्सप्लेन मी वंस अगेन। जो पी रिच ऑर्बिटल है, पी न्यूक्लियस से दूर है, तो इलेक्ट्रो नेगेटिव इन इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से अट्रैक्ट कर सकता है। तो पी रिच ऑर्बिटल इलेक्ट्रो नेगेटिव ग्रुप की ओर होंगे और जो एस रिच ऑर्बिटल होंगे वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव ग्रुप की ओर अरेंज रहेंगे। यही है वेंट रूल। देखिए, अब देखिए यहां पर PCl3F2 आ गया, दो F ग्रुप हैं, तो दोनों F ग्रुप कहां चला जाएंगे? दोनों के दोनों एक्सियल पोजीशन पर चले जाएंगे, क्योंकि जो एक्सियल पोजीशन है वो P रिच है, और P रिच में कौन से ग्रुप चले जाएंगे? इलेक्ट्रो नेगेटिव ग्रुप्स चले जाएंगे। अगर कोई कहे PCl2F3, तो अब देखिए दो F तो सीधे सीधे कहां चले जाएंगे? एक्सियल पोजीशन पर। तीसरे F को कहां जाना पड़ेगा? तीसरे F को जाना पड़ेगा इक्विटोरियल पोजीशन पर। अगर मैं कहूं PCl F4 है, तो PCl F4 के केस में अब देखिए दो F तो जो है वो एक्सियल पोजीशन पर होंगे, बाकी दोनों कहां चले जाएंगे? इक्विटोरियल पोजीशन पर। इस तरीके से आपने देखा। ऐसे ही मैं आपको एग्जांपल बताऊं, अगर मुझसे कोई कहे कि PCl4CH3 का स्ट्रक्चर बनाइए, तो मैं क्या करूंगी? सीधे सीधे जो CH3 है उसको तो मुझे इक्विटोरियल पोजीशन पर डालना है, क्योंकि ये क्या है? ये एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव ग्रुप है और Cl एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप। तो मैं सीधे सीधे क्या करूं? जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है उनको एक्सियल पोजिशन पर रख दूं और बाकी बचे ग्रुप्स को मैं इक्विटोरियल पोजीशन पर लगा दूं। तो इतनी आसानी से जो इलेक्ट्रोनेगेटिव, आसानी से हम स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं, आसानी से हम वेंट रूल के अकॉर्डिंग इन मिक्स्ड सब्स्टिट्यूएंट का स्ट्रक्चर बता सकते हैं कि ये सीएल ग्रुप कहां जाएगा। क्या ये इक्विटोरियल पोजीशन पर जाएगा या ये एक्सियल पोजीशन पर जाएगा, ये बताएगा ये ग्रुप्स कौन से हैं। ये ग्रुप्स में जो अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो एक्सियल पोजीशन पर जाएगा, जो अधिक इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा वो इक्विटोरियल पोजीशन पर जाएगा, क्योंकि इक्विटोरियल पोजीशन पर एस करेक्टर अधिक होता है और जो एक्सियल पोजीशन है वहां पर एस करेक्टर क्या है? जीरो है। को मैंने यही एक्सप्लेन किया है कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी किसकी तरह होते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव ग्रुप की ओर तरह होते हैं। इसलिए वो कहां चले जाते हैं बच्चों? वो उनमें क्या होता है? वो उन हाइब्रिड ऑर्बिटल की ओर अट्रैक्ट होते हैं जिनमें एस करेक्टर अधिक होता है, क्योंकि एस करेक्टर कहां है? न्यूक्लियस के नजदीक है, न्यूक्लियस के नजदीक है, तो न्यूक्लियस के नजदीक जो होंगे उनकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि एक दूसरे को रिपेल करते हैं वो एस रिच ऑर्बिटल में चले जाते हैं, जिससे कि वो सिस्टम की एनर्जी को क्या करते हैं? लोअर करते हैं। तो जहां पर भी एस रिच ऑर्बिटल होंगे वहां पर क्या चले जाएंगे? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेट्स एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल्स विच वी हैड ऑलरेडी एक्सप्लेन इन वेस्पर थ्योरी। अब मैं बच्चों एग्जाम्पल ले रही हूं SF4 मान लीजिए।
SF4 का एग्जाम्पल ले रही हूँ और मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ CLF3, जहां पर Cl के पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और एक एग्जाम्पल हमारे पास है XeF2, जहां पर F2 के पास थ्री लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सीधे सीधी ज्योमेट्री अगर हम अकॉर्डिंग टू क्या बनाएंगे, बेंट रूल, तो बहुत आसान है बच्चों। मैं S ले लूं, ओके। अब मुझे पता है कि इसकी जो इक्विटोरियल पोजिशंस हैं वहां पर S करेक्टर अधिक है और जो इसकी एक्सियल पोजीशन है वहां पर S करेक्टर क्या है, अधिक है। तो क्या करेंगे, सॉरी, जो एक्सियल पोजीशन है उस पर S करेक्टर जीरो है और जो इक्विटोरियल पोजीशन है वहां पर S करेक्टर है, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, जहां पर S करेक्टर अधिक होगा। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, इक्विटोरियल पोजीशन पर, क्योंकि यहां पर S करेक्टर अधिक है। S करेक्टर अधिक होने का मतलब नियर टू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के नजदीक। जो न्यूक्लियस के नजदीक होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, लोअर एनर्जी, और जिसकी एनर्जी कम होगी मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम स्टेबल करना चाह रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, एस रिच ऑर्बिटल में अगर चला जाए वो, तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, क्योंकि एस रिच ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है क्योंकि वो न्यूक्लियस के पास होता है। इसलिए जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कहां चला जाता है बच्चों, इक्विटोरियल पोजिशन पर, और बाकी पोजिशन पर क्या आ जाएंगे, और दूसरे जो ग्रुप्स हैं वो देखिए बाकी पोजिशन पर आप फिट कर दीजिए, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स हैं। इस तरीके से हम आसानी से ज्योमेट्री बना सकते हैं। अगर हम CLF3 को देखें तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए बच्चों, अगेन हमें पता है कि यहां पर दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दोनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे, इक्विटोरियल पोजीशन पर। अकॉर्डिंग टू बेंट रूल ये इक्विटोरियल पोजीशन पर क्यों जाएंगे, क्योंकि यहां पर S करेक्टर, परसेंट S करेक्टर अधिक है, और जो इसकी एक्सियल और बाकी बची हुई जो इक्विटोरियल पोजीशन है वहां पर क्या चला जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप चला जाएगा। अगर हम XeF2 की बात करें तो वहां पर आप देखिए तीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये तीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, इक्विटोरियल पोजीशन पर। इक्विटोरियल पोजीशन पर क्यों चले जाएंगे, क्योंकि यहां पर S करेक्टर अधिक है। तो हमें ये बताना है बच्चों कि जहां पर S करेक्टर अधिक है वहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, और जहां पर P करेक्टर अधिक है वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप चला जाएगा। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों चला गया, क्योंकि इसे स्टेबल करना है, स्टेबल का मतलब न्यूक्लियस के नजदीक जाना है, इसलिए ये कहा गया इक्विटोरियल पोजीशन पर। तो हमें अगर पूछा जाए कि वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग बताइए यहां पर क्यों आ गया, तो वो पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया है कि वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग क्यों ये इक्विटोरियल पोजीशन पर चला गया, और ये बेंट रूल के अकॉर्डिंग भी बहुत आसान है बताना कि ये क्यों इक्विटोरियल पोजीशन पर चला गया, क्योंकि इक्विटोरियल पोजीशन एस रिच है, इसलिए ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्विटोरियल पोजीशन पर चला गया। इट इज लाइक अ इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ये एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव ग्रुप की तरह एक्ट करेगा। आया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो आसानी से क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दैट आर हैविंग मोर पी करेक्टर, क्योंकि पी क्या है, न्यूक्लियस से दूर है, इसलिए वहां से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना आसान है। इलेक्ट्रॉन कौन विड्रॉ करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप पी रिच ऑर्बिटल की ओर होते हैं, और जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव ग्रुप होते हैं वो एस रिच ऑर्बिटल की ओर होते हैं। ओके, तो जनरली जो बॉन्डिंग होती है वो प्योर पी ऑर्बिटल के थ्रू होती है, जो स्टेबल, जहां पर स्टेबल बॉन्डिंग की बात हम करेंगे तो वहां पर प्योर पी ऑर्बिटल बॉन्डिंग करेंगे, और एस रिच एस ऑर्बिटल में क्या आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएगा, लोन पेयर, क्योंकि एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास है। अगर वहां पर हाइब्रिडाइजेशन है तो हाइब्रिडाइजेशन के केस में एस रिच में आ जाएगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और पी रिच की ओर आ जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप। अब आप ये देखिए बच्चों कि यहां पर एक एग्जांपल मैंने दिया है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे बॉन्ड एंगल को चेंज करती है एज पर बेंट रूल। ओके, अब आप देखिए यहां पर पीएफ थ्री के साथ एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम चेंज कर रहे हैं, और धीरे धीरे आप देखिए हम इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ा रहे हैं। पहले यहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, फिर BH3 आया, फिर यहां पर एस आया सल्फर, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोर। ओके, तो इस तरीके से हमने इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ा दी। तो अब आप देखिए कि यहां पर अगर मैं PF3 की बात करूं तो PF3 में क्या है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ओके, यहां पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और मैं सीधे किसकी बात कर रही हूं, यहां पर मैं बात कर रही हूं PF4+ की। ठीक है, तो इन दोनों में अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो क्या है, देखिए यहां पर एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव ग्रुप है। ओके, अब हमें बताने हैं बॉन्ड एंगल, हम किस बॉन्ड एंगल की बात कर रहे हैं, हम बॉन्ड एंगल की जो बात कर रहे हैं, देखिए एफ P
पी एफ, इस बॉन्ड एंगल की बात कर रहे हैं बच्चों हम, ओके। इस बॉन्ड एंगल की हम बात कर रहे हैं कि इस बॉन्ड एंगल पर क्या असर हो रहा है, और उस बॉन्ड एंगल की हेल्प से हम, या फिर हम बॉन्ड एंगल बता सकते हैं या हम परसेंट एस करेक्टर और पी करेक्टर बता सकते हैं। अब देखिए, ये जो है हमारा, यहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और यहां पर क्या है, एफ, एफ प्लस, ओके। ये आप, अगर मैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूं बच्चों, तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर परसेंट एस करेक्टर इंक्रीज होगा, ओके। यहां पर परसेंट करेक्टर एस करेक्टर इंक्रीज होगा, अगर यहां पर इंक्रीज होगा क्योंकि लोन पेयर है, लोन पेयर कहां रहना चाहता है, एस रिच ऑर्बिटल्स में, तो परसेंट एस करेक्टर अधिक होगा तो क्या होगा, यहां पर परसेंट एस करेक्टर विल डिक्रीज, यहां पर परसेंट एस करेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। और जैसे ही परसेंट एस करेक्टर डिक्रीज होगा, तो आप जानते हैं, अगेन आई एम रिकॉलिंग यू, जैसे जैसे परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीज होता है, बॉन्ड एंगल भी इंक्रीज होता है। तो आप देखिए, जैसे जैसे एस करेक्टर इंक्रीज हुआ, बॉन्ड एंगल भी इंक्रीज हुआ, तो इसी तरीके से आप देखेंगे परसेंटेज एस करेक्टर यहां बढ़ गया और यहां परसेंट एस करेक्टर कम हो गया, तो परसेंट एस करेक्टर कम होगा तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, रिड्यूस होगा, तो इसलिए बॉन्ड एंगल क्या है, 97.8। और जैसे जैसे हमने यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज करी, देखिए, तो यहां पर परसेंट एस करेक्टर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो यहां पर परसेंट एस करेक्टर डिक्रीज होगा तो यहां पर परसेंट एस करेक्टर इंक्रीज हो जाएगा एज कंपेयर टू दिस। तो यहां पर आप देखेंगे, यहां पर सब जगह परसेंट एस करेक्टर 25% होगा, तो इसलिए ये बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और ये बिल्कुल परफेक्टली 109 होगा, क्योंकि ये सारे सब्स्टिट्यूएंट क्या हो गए, एक से हो गए। जैसे जैसे इन सब्स्टिट्यूएंट में डिफरेंस होगा, वैसे वैसे आप देखेंगे बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा, लेकिन 109 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि परसेंटेज एस करेक्टर हर ऑर्बिटल का अलग अलग होगा, लेकिन जैसे ही सब्स्टिट्यूएंट एक से होंगे, वैसे ही सारे सब्स्टिट्यूएंट का परसेंट एस करेक्टर, देखिए आप, ये इंक्रीज हो गया, ये परसेंट एस करेक्टर पीएफ बॉन्ड का इंक्रीज होगा जैसे जैसे हम यहां से यहां जाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऐड कर दिया है, ओके। और जैसे जैसे अगर हम इस बॉन्ड का देखेंगे, जहां पर हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऐड करते जा रहे हैं, यहां पर परसेंट एस करेक्टर विल डिक्रीज और यहां पर परसेंट एस करेक्टर विल इंक्रीज, तो आप देख सकते हैं कि परसेंट एस करेक्टर जैसे जैसे इंक्रीज होगा, बॉन्ड एंगल विल ऑल्सो इंक्रीज। तो हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं परसेंटेज एस करेक्टर को किससे, बॉन्ड एंगल से। अनदर एग्जाम्पल, एक आप दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जहां पर आप देखेंगे कि इस तरीके का मॉलिक्यूल है जहां पर फॉस्फोरस टेट्रावेलेंटली बॉन्डेड है, और आप देख सकते हैं ये टेट्राहीड्रल, यहां पर टेट्राहीड्रली अरेंज्ड है, इससे तीन ऑक्सीजन और एक ब्रोमीन जोड़ी है। तो अगर हम बेंट रूल को देखें, तो बेंट रूल के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन और ब्रोमीन में अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो पी का जो पी रिच ऑर्बिटल है वो इस ओर होना चाहिए और एस रिच ऑर्बिटल ब्रोमीन की ओर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो इसका एस रिच ऑर्बिटल होता है वो यहां पर परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ जाता है डबल बॉन्ड की ओर, जबकि यहां पर ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव और यहां पर परसेंट एस करेक्टर विल डिक्रीज, यहां पर परसेंट एस करेक्टर डिक्रीज होता है, जबकि यहां पर इंक्रीज होना चाहिए था और यहां पर डिक्रीज होना चाहिए था एज पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसमें एस रिच होना चाहिए था और यहां पर एस पुअर होना चाहिए था, बट बेंट रूल का एक और बेंट रूल यहां से निकलता है, P करेक्टर टेंड्स टू कंसेंट्रेट इन दी हाइब्रिड ऑर्बिटल विद वीक कोवेलेंसी। तो यहां पर एक और बच्चों बेंट रूल का निष्कर्ष निकलता है कि जो पी और रिच ऑर्बिटल हैं वो उस ओर कंसंट्रेट होते हैं जहां पर पुअर कोवेलेंसी होती है। देखिए, यहां पर सिंगल बॉन्ड है और यहां पर डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड इज जस्ट लाइक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। तो ये एक तरीके से किसकी तरह एक्ट करता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरह। तो इसमें चाहे इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप भी जुड़ा हुआ होगा तो भी एस रिच ऑर्बिटल विल ट्राई to concentrate on the towards the substituent which are bonded strongly through the strong covalency। तो अगर double bonded है तो मतलब s rich orbital होगा इस ओर, और अगर ये single bonded है तो इस ओर क्या होगा,
पी रिच ऑर्बिटल होगा, चाहे यहाँ पर इलेक्ट्रो नेगेटिव ग्रुप, क्योंकि चाहे यहाँ पर इलेक्ट्रो पॉजिटिव ग्रुप ही क्यों ना हो। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि डबल बॉन्ड भी जस्ट उसी तरीके से रहता है, यानी इसको एस रिच ऑर्बिटल की जरूरत होती है जैसे लोन पेयर के लिए। तो अगर मैं आपको कहूं कि SOF4 हमारे पास ऑर्बिटल है या हमारे पास XeO2F3 मॉलिक्यूल है या हमारे पास XeO3 मॉलिक्यूल है, तो हम इसको किस तरीके से बता सकते हैं बच्चों? इजीली हमने देखिए बेंट रूल से भी हम इसे बता सकते हैं और हम इसे वेस्पर थ्योरी से भी बता सकते हैं। तो हम ये कहेंगे कि जो डबल बॉन्ड है वो कहाँ चला जाएगा? इक्विटोरियल पोजीशन पर, और जो एटम्स हैं वो और दूसरी पोजिशन में चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे? क्योंकि डबल बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग को वैलेंसी है, और स्ट्रॉन्ग कोवैलेंसी उस ओर होती है जहां पर परसेंट एस करेक्टर हाई होता है, और इक्विटोरियल पोजीशन पर परसेंट एस करेक्टर क्या होता है? हाई होता है। इन द सिमिलर वे अगर मैं दूसरे मॉलिक्यूल को देखूं तो यहां पर जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है वो कहां चला जाएगा? वो चला जाएगा इक्विटोरियल पोजीशन पर। इस तरीके से हम डबल बॉन्ड को ओ को अरेंज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग कोवैलेंसी है। स्ट्रॉन्ग कोवैलेंसी मींस डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड उस जगह होगा जहां पर एस करेक्टर अधिक होगा, इसलिए ये कहां चला जाएगा? इक्विटोरियल पोजीशन पर। इसी तरीके से अगर हम XeO3 को देखेंगे तो XeO3 तो खैर डिफरेंट काइंड का एग्जांपल है, तो अगर हम इन एग्जांपल्स को देखेंगे तो हमें सीधे सीधे डबल बॉन्ड कहां रख देने हैं बच्चों? इनको हमें रख देना इक्विटोरियल पोजीशन पर। और अगर ये केस किसका है? अगर ये केस है पेंटागनल बाइपिरामिडल का, जैसा मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था XE5 नेगेटिव, तो उस केस में क्या होगा कि XE और यहां पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो किस जगह होगा? यहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे एक्सियल पोजीशन पर होगा, इसी तरीके से जो डबल बॉन्ड्स होंगे वो भी एक्सियल पोजीशन पर होंगे अगर वो पेंटागनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होगी, क्योंकि यहां पर परसेंट एस करेक्टर क्या होगा? अधिक होगा। यहां पर एक्सियल पोजीशन पर अधिक होगा क्योंकि यहां पर बॉन्ड एंगल क्या है? अधिक है। अधिक कहां पर होगा? जहां पर एस करेक्टर अधिक होगा। इसलिए एस करेक्टर मतलब अधिक बॉन्ड एंगल, अधिक बॉन्ड एंगल का मतलब अधिक एस करेक्टर, अधिक एस करेक्टर का मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप, इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप का मतलब लोन पेयर या डबल बॉन्ड। आप समझ गए? इसके अलावा इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप्स तो है ही हैं, बट लोन पेयर और डबल बॉन्ड जो है वो भी किसमें आ गए? एक तरीके से इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप्स में, जो कि ट्राइगनल बाइपिरामिडल के केस में इक्विटोरियल पोजीशन पर चले जाएंगे, और जो पेंटागनल बाइपिरामिडल होगा उसमें वो एक्सियल पोजीशन पर चले जाएंगे, क्योंकि वहां पर बॉन्ड एंगल अधिक होता है। तो आपको क्या याद रखना है? परसेंट एस करेक्टर। परसेंट एस करेक्टर कहां अधिक होगा? जहां पर बॉन्ड एंगल अधिक होगा। जहां पर बॉन्ड एंगल अधिक होगा वहां पर परसेंट एस करेक्टर अधिक होगा। जहां पर परसेंट एस करेक्टर अधिक होगा वहां पर क्या होगा? इलेक्ट्रो पॉजिटिव ग्रुप। ओके, इलेक्ट्रो पॉजिटिव ग्रुप और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और डबल बॉन्ड। तो यहां और ये क्या है होगा? अगर हम ट्राइगनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री देखेंगे तो ये कौन सी पोजीशन होगी? इक्विटोरियल पोजीशन। और अगर हम पेंटागनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री देखेंगे तो वहां पर ये कौन सी पोजीशन होगी? एक्सियल पोजीशन, जहां पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप जाएगा, या जहां पर लोन पेयर जाएगा, या जहां पर डबल बॉन्ड जाएगा। और ट्राइगनल बाइपिरामिडल के केस में इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप, लोन पेयर या डबल बॉन्ड कहां जाएगा? इक्विटोरियल पोजीशन पर, क्योंकि वो पोजीशन क्या है? एस रिच। वो एस रिच क्यों हो गई? क्योंकि वहां पर बॉन्ड एंगल क्या था? अधिक था। और आप जानते हैं एस पर हाइब्रिडाइजेशन, जहां पर एस करेक्टर अधिक होता है वहां पर बॉन्ड एंगल अधिक होता है। तो ये बातें सब जुड़ी हुई है, और हम सेम जो स्ट्रक्चर है उसको वेस्पर थ्योरी से भी समझा सकते हैं, और उसको हम बेंट रूल से भी समझा सकते हैं, बट इन डिफरेंट वे।
और दिखाऊं, जैसे मैं इस तरीके का एग्जांपल अगर आपको लूं जहां पर CH4 में मैंने रिप्लेस कर दिए हैं बच्चों दो एफ से, दो एच को दो एफ से रिप्लेस कर दिया है, ओके। इस तरीके का अगर मैं एग्जांपल लूं तो आप ये देखेंगे यहां पर दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ गए और यहां पर दो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स आ गए। तो यहां पर हम बेंट रूल की हेल्प से बॉन्ड एंगल को डिस्कस कर सकते हैं। तो बॉन्ड एंगल को कैसे डिस्कस कर सकते हैं हम, देखिए यहां पर जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होगा वहां पर परसेंट एस करेक्टर विल डिक्रीज, यहां पर परसेंट एस करेक्टर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा, ओके। और यहां पर परसेंट एस करेक्टर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो परसेंट एस करेक्टर यहां इंक्रीज हो गया, यहां डिक्रीज हो गया। जहां पर परसेंट एस करेक्टर अधिक होगा वो बॉन्ड एंगल क्या होगा, अधिक होगा, ये हाई होगा, और ये वाला बॉन्ड एंगल क्या होगा, लो होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर परसेंट एस करेक्टर कम है और यहां पर परसेंट एस करेक्टर अधिक है। तो हम बॉन्ड एंगल को भी बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बेंट रूल बहुत आसानी से। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ बेंट रूल, वहां पर आप देखेंगे हम कैसे बॉन्ड एंगल के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, जबकि यहां पर सारे ग्रुप्स एक से हैं। तो सारे ग्रुप्स एक से होने की वजह से सारे बॉन्ड एंगल कितने होंगे, 109 के। लेकिन यहां पर दो तरीके के बॉन्ड एंगल होंगे, एफ सी एफ बॉन्ड एंगल कम होगा 109 से, और जो एच सी एच बॉन्ड एंगल है वो क्या होगा बच्चों, 9 से ये बॉन्ड एंगल क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि यहां पर परसेंट एस करेक्टर अधिक है और यहां पर परसेंट एस करेक्टर क्या है, कम है। वन एक्सेप्शन ऑफ बेंट रूल, बेंट रूल का एक एक्सेप्शन भी है, अगर हम ट्रांजिशन मेटल्स की बात करें तो वो एक्सेप्शंस हैं बेंट रूल के। तो जैसे टाइटेनियम का कॉम्प्लेक्स है बच्चों, तो यहां पर दो आर ग्रुप जिनको मैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव कह रही हूं और दो एक्स ग्रुप हैं जिन्हें मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप कह रही हूं। तो यहां पर क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला जो बॉन्ड एंगल होता है यानी एक्स टी आई एक्स, ये तो अधिक होता है और आर टी आई आर ये कम होता है। देखिए बिल्कुल अपोजिट है, वहां पर आपने देखा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जहां पर होते हैं मतलब पीरिच ऑर्बिटल, इसका मतलब है कि वो बॉन्ड एंगल कम होता है, और जहां इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं वहां पर एस रिच होता है इसलिए वो बॉन्ड एंगल अधिक होता है। लेकिन इन केस ऑफ दीज ट्रांजिशन मेटल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आपको बिल्कुल उल्टा मिलेगा कि जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होंगे वहां पर बॉन्ड एंगल अधिक होगा, जहां पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे वहां पर बॉन्ड एंगल कम होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहां पर जो जो ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं वो करते हैं एस डी, ओके, और वहां जो जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते थे वो थे एस पी। ऑफ ट्रांजिशन मेटल दी डी ऑर्बिटल्स एनर्जी इज लेस, क्या होता है बच्चों, जो जो आप एस पी हाइब्रिडाइजेशन में आपने देखा कि एस की एनर्जी तो कम थी और पी की अधिक थी, लेकिन यहां पर क्या होता है कि डी की एनर्जी कम होती है और एस की एनर्जी अधिक होती है। अब बताइए न्यूक्लियस के नजदीक कौन है, डी ऑर्बिटल, ठीक है, न्यूक्लियस के नजदीक है, और न्यूक्लियस से दूर कौन है, दे आर फार फ्रॉम न्यूक्लियस इन केस ऑफ ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स। तो एस तो दूर है और डी पास है, तो एस रिच, तो इसका मतलब है जो डी जो न्यूक्लियस के पास है वहां पर क्या होगा, जो जो अट्रैक्शन किसका होगा, जो जो डी जो न्यूक्लियस के नजदीक है उनका अट्रैक्शन टुवर्ड्स इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा, इनका अट्रैक्शन किसकी ओर होगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव की ओर होगा, और जो फार है उनका किसकी ओर होगा, इलेक्ट्रो नेगेटिव ग्रुप्स की ओर होगा, और जिनका इलेक्ट्रो नेगेटिव ग्रुप्स की ओर होगा आप जानते हैं कि अगर एस रिच होगा तो उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, अधिक होगा, और एस रिच किस ओर है, इलेक्ट्रो नेगेटिव की ओर को, इसलिए ये बॉन्ड एंगल अधिक होगा और ये बॉन्ड एंगल कम होगा। जैसा आपने देखा था एसपी हाइब्रिडाइज में क्या होता है, एस की एनर्जी कम होती है, एस यानी एस जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव की ओर रहते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव की ओर होंगे तो उनका बॉन्ड एंगल अधिक होगा, यहां पर क्या हो गया एस जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव की ओर होंगे इसलिए वहां पर क्या होगा बॉन्ड एंगल क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि एस रिच ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स की ओर को बॉन्ड एंगल अधिक होगा और टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोपॉजिटिव दिस बॉन्ड एंगल इज लेस, ओके। सो इन दिस वे वी हैड डिस्कस्ड द बेंट रूल
इन दिस लेक्चर हमने इस लेक्चर में पढ़ा बेंट रूल के बारे में और हमने समझने की कोशिश की कि एक ट्राइगोनल बाईपिरामिडल जो ज्योमेट्री है वहां पर हम कैसे मॉलिक्यूल्स में एटम को अरेंज कर सकते हैं, लोन पेयर को कहाँ रखेंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप को कहाँ रखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप को कहाँ रखेंगे, और अगर हमारे पास पेंटागनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री होगी तो हम उनको कहाँ कहाँ रखेंगे, क्योंकि ये सब दिक्कतें हमें sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2, sp3, sp3d2 में नहीं आएंगी क्योंकि वहां पर सारी पोजीशंस इक्विवेलेंट हैं। यहाँ सारी पोजीशंस इक्विवेलेंट नहीं है तो हाइब्रिडाइजेशन जो एस रिच है वो कहीं पर अधिक होगा कहीं पर कम होगा, इसलिए बेंट रूल के अकॉर्डिंग वी कैन इजिली डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल्स विद द मिक्सड सब्सटीट्यूएंट, जिनमें डिफरेंट टाइप के सब्सटीट्यूएंट्स होते हैं उनकी हम स्ट्रक्चर यानी ज्योमेट्री को डिस्कस कर सकते हैं, बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बेंट रूल। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ बेंट रूल की, बेंट रूल की क्या क्या एप्लीकेशन हो सकती है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।